है गाइज़ असलकुम अदनान फारूक एट योर सर्विस फ्राम अदनान फ़ारूक डॉट कॉम कैसे चल रहे हैं जी आप लोगों के रोज़े अब तो हम टाइम का पता भी नहीं चला और रियली आई एम श्योर यू फील दिस वे के ऑलमोस्ट रोजे ख़त्म होने को आ रहे हैं एंड टाइम जस्ट वेंट पास सो क्विकली दैट uh, uh, कुछ इसका हिसाब किताब ही नहीं है जिस जिससे बात करो वो कहता है जी वक्त का पता ही नहीं लगा और uh, इनशा उम्मीद है कि इसी तरह ही जो हमारा ये जो क्वारंटीन का सिचुएशन है इन ताला ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और वेरी सोन आई एम शोर वी विल बी बैक ऑन ट्रैक एंड रिज्यूमिंग आर रेगुलर रूटीन् तो नाजरीन आज का जो टॉपिक है आई एम शोर दिस इज़ गोइंग टू रेज अ लॉर्ड ऑफ आई ब्राउज इस्पेली फॉर

Uh, at the end of this uh, this uh, chat, I have a recipe for you that you can, we call it Totka, because we are excited about Totka, so I have taken Totka detox I will share with you. So, stick with me right till the end, I am going to give you that Totka, how to and that Totka is really going to work for, uh, it has worked for me and it's going to work for you. हाउ टू क्लेंज द लिवर एंड हाउ टू रियली डी टाक्स द बॉडी सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टड तो टॉपिक है हमारा जी डी टाक्स का और डी टाक्स में काफ़ी कन्फ्यूजन है बहुत से लोग इसको लेते हैं कि जी आपने कोई एक दिन एक मुकर किया यू नो पर्टिकुलर डे दैट है जूस डाइट बिकॉज आई एम ट्राई टू क्लेंज माई सिस्टम ग्रेट बट Uh, एक सवाल आप ले आपके लिए है आई एम श्योर यू नीड टू थिंक अबाउट दिस क्या आप अपना किचन uh, जो है उसको बीस दिनों के बाद या पंद्रह दिनों के बाद एक दिन सफ़ा करते हैं डू यू लेट ऑल द डर्टी प्लेट्स एंड ऑल दल द आइटम्स इन द किचन जिस रॉट एंड पाइल अप और डू यू क्लिन इट ऑन डेली बेसिस थोड़ी सी दूसरी तरफ आते हैं कि वाशरूम है क्या आप उसको इस्तेमाल करने के बाद पंद्रह दिनों के बाद साफ़ करते हैं क्या आप अपनी बॉडी को आ, कहते हैं कि जी मैं हफ़्ते में एक दिन नहाऊंगा या पंद्रह दिन में एक बार नहाऊंगा ऐसे भी लोग हैं वैसे जो करते हैं एटलीस्ट यहाँ पे नहीं है बाहर के मुल्कों में होते हैं कहने का मकसद ये डिटॉक्स का मतलब है नाजरीन क्लें क्लेंजिंग क्लेंजिंग फ्राम द इनसाइड सो वाई इज़ इट दैट यू एंड आई हैव डेडिकेटेड अ पर्टिकुलर डे फॉर डिटॉक्स के जी मैं एक डिटॉक्स प्लान पर हूँ वाई कॉन्ट इट बी समिंग दैट वी डू ऑन डेली बेसिस मिक सेंस राइट तो कहने का मकसद ये है कि डी टॉक्स हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए और डी टॉक्स इतना प्रैक्टिकल हो कि हम उसको रेगुलरली अपनी ज़िंदगी में इनकोऑपरेट कर सकें दैट्स सिंपलीट्स फॉर इट मीन्स ठीक है आप आ, आ, कोई दिन मुतिन करते हैं एंड यू यू हैव सेपरेट टाइम एंड योर स्केड्यूल की जी मैं उस डी टॉक्स पर जा रहा हूँ बट दैट डजेंट हेल्प जिस तरह आप हफ्ते में एक बॉडी को अगर आप नहाएं और एक दिन आप जो आपने फिक्स किया हुआ नहाने को उसमें आप दो घंटे नहाते रहे तो क्या वो दो घंटे का नहाना आपके अगले चार दिन की जो जो आ, 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 नहाने की जरूरत होगी उसको पूरा तो नहीं करेगा ना इसीलिए वन हैज टू डू दिस ऑन अ डेली बेसिस आई एम श्योर यू गेट द पॉइंट सो अब डिटॉक्स के जो मामला हैं उस पर हम सिम्टम्स की भी बात करेंगे और इसके बेनिफिट्स की भी बात करेंगे और कौन कौन से इसकी सोल्यूशन उसके ऊपर भी बात करेंगे तो लॉट ऑफ कॉन्टेंट एक चीज़ नोट करें कि डी सिर्फ डाइट का नहीं होता एक तो ये चीज़ नोट करें डिटॉक्स माइंड का भी होता है क्योंकि डिटॉक्स हम किस चीज़ से कर रहे हैं टॉक्सिसिटी से कर रहे हैं ये जो गंद बला हमारी डाइट के खाने से ये जो हमारे ज़िंदगी के मामलात हैं जो हमारे लाइफ स्टाइल हैं उससे जो हमारी बॉडी के ऊपर जो असर पड़ रहा है और जो लिवर के ऊपर असर पड़ रहा है उससे क्लेंज़ करने के लिए तो ये मत भूलिए कि ये जो ऑर्गन है ना ये भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है अगर इसको क्लेंस करने का तरीका हमें ना आता हो तो नाजरीन इसके बेनिफिट्स के अंदर ये है कि जब आप प्रॉपरली डिटॉक्स करते हैं तो उसमें एक तो स्किन के बेनिफिट्स हैं विच वी ऑल नो ठीक है स्किन के बेनिफिट्स हैं ग्लोइंग स्किन दैट इज़ नो ब्रेन इफ़ यू डू प्रॉपरली नंबर टू विच टू मी मेक्स एज मच सेंस इज़ आपकी एनर्जी इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है सो इफ़ यूर समबडी हु इज डीलिंग विद फटीग ऑल द टाइम लथार्जी हो रही है नो दैट योर लिवर नीड्स सपोर्ट ठीक है उसके बाद तीसरा वेट लॉस के मामला हैं कि वेट लॉस हम उसको कहते हैं वेट लॉस रिजिस्टेंस तो अगर वेट लॉस नहीं हो पा रहा तो इट कुड बी दैट द लिवर नीड्स द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट इट्स नॉट गेटिंग उसके बाद हॉमोनल बैलेंस ऑफ पीपल डोंट नो दिस जब आप लिवर क्लेंजिंग करते हैं तो उससे आपके हार्मोनल बैलेंस के ऊपर भी असर पड़ता है कि जो आ, कुछ ऐसे आप कह लें कि जो एस्ट्रोजन थ्रू डाइट हमारे अंदर आ रहा है जो जीनो एस्ट्रोजिन जिसको जिसको हम कहते हैं थ्रू डाइट एंड थ्रू मल्टीपल केमिकल प्रोडक्ट्स की यूज़ से आ रहा है उससे क्लेंस करने का हमें फ़ायदा मिलता है सो मल्टीपल बेनिफिट्स दैट आर गेटिंग थ्रू डीटॉक्स तो आ, इसके ए, एक बात शुरू करने से पहले मैं एक और वाजह करूँगा कि जो लोग फ्रूट जूस का डिटॉक्स कर रहे हैं और फ्रूट जूस पी रहे हैं मैं आप लोगों से गुज़ारिश करता हूँ प्लीज़ फ्रूट जूस का डिटॉक्स नहीं होता बिकॉज यू आर ओवरलोडिंग योर बॉडी विद अ होल लॉट ऑफ फ्रुक्टोज तो मैं समझता हूँ कि बात शुरू करने से पहले ही ये मुझे आप लोगों को बता देना चाहिए कि फ्रूट जूसेस का डिटॉक्स इज़ नॉट एज बेनिफिशियल बिकॉज उसके अंदर इंसुलिन और ब्लड शुगर स्पाइक्स हैं तो हम जो स्टेट क्रिएट करना चाह रहे हैं बॉडी के अंदर वो उसको नलिफाई कर रहा है ठीक है तो सिम्टम्स अब सुन लें और इनको चेक मार्क करते रहें कि आप इन सिम्टम्स से गुजर रहे हैं या नहीं तो उसके अंदर क्या आएगा ब्लोटिंग एंड गैस नंबर टू एसिड रिफ्लक्स नंबर थ्री कॉन्स्टिपेशन नंबर फोर स्किन नंबर फाइव येलो आइज नंबर सिक्स इनबिलिटी टू लूज वेट वेट लॉस रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं नंबर सेवन हाई ब्लड प्रेशर नंबर एट मूडीनेस एंजाइटी एंड डिप्रेशन वाओ दैट इज ह्यूज उसके बाद नंबर नाइन डार्क यूरिन नंबर टेन क्रॉनिक फटीग नंबर इलेवन रोजेशिया विच इज ए विच इज अ स्किन इशू एंड नंबर ट्वेल्व इज पूर एपेटाइट तो ये बारह चीजों की लिस्ट मैंने आपको दी है ठीक है दीज आर ट्वेल्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशूज़ और होता क्या है कि हम उस इशू को ये जो सारे मामलात हैं इनको हम सुपरफेशल लेवल पर ट्रीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम मिसाल के तौर पर अगर ब्लोटिंग एंड गैस अगर गोरी अगर गैस हो रही है एसिड रिफ्लक्स हो रहा है तो हम उसकी दवाई खाएंगे और अगर कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो उसकी दवाई खाएंगे मतलब हम सिमटोमेटिक रिलीफ ढूंढ रहे होते हैं हम ये नहीं देख रहे होते कि उसकी बैकग्राउंड में क्या वजह है बिकॉज हमें ये बताया नहीं गया कि रूट कॉज इन चीज़ों के कुछ और होते हैं तो होपफुली बाय बाय वंस यूर गोइंग थ्रू दिस दिस डिस्कशन यू विल यूर अंडरस्टैंडिंग और यूर गेटिंग द परस्पेक्टिव कि आई नीड टू गो टू द रूट कॉज जब आप किसी चीज़ को जड़ से जड़ पे एड्रेस करते ना तो उसका इशू ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है जिस तरह मिसाल के तौर पर स्किन की हम बात कर रहे हैं स्किन के इश्यूज बहुत सारे गट के अंदर होते हैं जब बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाती है तो वहाँ पे जब आप लिवर को सफाई करते हैं तो वहाँ पे काम आपका अच्छा होता है तो जनाब ये चीज़ें हैं जो हमें जिनका हमें ध्यान रखना है अब आगे चलते हैं अब हमने डिस्कस करना है कि कौन कौन से खाने हैं और कौन कौन सी सी वजूहत हैं जिनकी वजह से ये टॉक्सिसिटी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है कौन कौन व्हाट आर द दोर्सेज ऑफ टॉक्सिसिटी जिसकी वजह से हमें डिटॉक्स करने की जरूरत पड़ती है तो उसके अंदर सबसे पहले तो आता है हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स ये जो आ, जो खाने जो आप कह लें कि पैकेज फूड्स हैं जो कि रेडी टू ईट हैं इनके अंदर जो हाइड्रोजनेशन के जो ऑयल जिस प्रोसेस से गुजरा होता है दैट इज़ वन बिग सोर्स ऑफ टॉक्सिसिटी तो ये प्रिजर्वेटिवज़ और ये जो हाइड्रोजनेशन है ऑयल की इसको अवॉइड करना है यानी कि जितने भी आ, आ, प्री मेड और ये पैकेज फूड है उसको थोड़ा सा इसकी इनटेक को कम करने की ज़रूरत है होल फूड्स पे जाने की ज़रूरत है मैंने पहले भी ये बात की है आ, उसके साथ साथ ऑयल जो बार बार यूज़ हुआ हुआ हो आपने देखा हो कि कुछ ऐसी आ, 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 फूड आ, आ, की जगह खाने की जगह होती हैं कोई रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पे Uh, पता लगता है कि जी वो तेल पुराना इस्तेमाल हो रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो वन बिग कॉज ऑफ़ टॉक्सिसिटी उसके बाद फिर ये जो हम एरोसॉल्स uh, यूज़ करते हैं ये जो हम मच्छर आजकल मच्छर लाहौर में तो कम से कम अगर है, है तो बहुत ज़्यादा मच्छर है तो ये जो एरोसॉल्स का इस्तेमाल है दैट इज़ ऑल्सो वन बिग कॉज ऑफ टॉक्सिसिटी बिकॉज ये केमिकल्स हैं अब कहने का मकसद ये है कि इन चीजों को आप रद्द नहीं कर सकते मैं भी इस्तेमाल करता हूँ बट वन हैज टू यूज दम रिस्पॉन्सिबली उसका तरीका क्या है कि जहाँ पे मच्छर मिला है तो वहाँ पे मच्छर के ऊपर मारना है बंदे को नहीं मारना हम एक मच्छर को या दो मक्खियों को मारते मारते हम पूरे घर के अंदर स्प्रे कर रहे होते हैं यू you नो know, तो इस तरह की छोटे छोटे हैक्स हैं जिनको आप करें तो आप केमिकल्स के इंटेक से बच सकते हैं क्योंकि यह बात Uh, दिमाग में रहे कि जब आप uh, uh, ये जो हमारी इन्वामेंट के इर्द गिर्द जो केमिकल यूज़ है ना वो किसी भी फॉर्म में आ रहा है केमिकल यूज़ है तो वो हमारी बॉडी को ओवरलोड कर रहा है टॉक्सिसिटी से तो वी नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दैट एज मच एज पॉसिबल उसके बाद uh, uh, ये जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं आपको ये बात बड़ी अजीब सी लगेगी लेकिन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स ये जो केमिकल प्रोडक्ट्स जो यूज़ होती हैं इनके इस्तेमाल से भी ये भी अपने इनके जो अपने फ्यूम्स हैं या जो अपने इनके इस्तेमाल से जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं घरों के अंदर दे आर ऑल्सो कॉजिंग टॉक्सिसिटी इनको भी हमें रिस्पॉन्सिवली uh, यूज़ करना है जितना हो सके उसको कम इस्तेमाल करें बल्कि अब तो रिसर्च ये भी कह रही है कि जो कैंसर की ट्रेसिस में जो लेके आ रहे हैं वो इन केमिकल्स की ओवर यूसेज की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है सो वी ऑल्सो नीड टू बी केयरफुल कि हम जब ये चीज़ों को इस्तेमाल करें तो इनको हम कम से कम यूज़ करें ठीक है जी उसके बाद उसके बाद डाइट के अंदर आ जाता है हमारा शुगर का इंटेक ठीक है शुगर आइटम्स वी नीड टू स्टे अवे फ्राम दैट एज मच एज पॉसिबल मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में ये बात की कि शुगर आइटम्स को हमें अवॉइड करना है एज मच एज पॉसिबल और इसके अंदर आ, जो आ, जो, आ, जो आ, स्टार्च के आइटम्स हैं बेटा वेट करें मैं आ रहा हूँ दरवाज़ा बंद कर दीजिए ये जो आ, आप कह लें कि रिफ़ाइंड शुगर्स हैं रिफाइंड शुगर्स की भी यूज जो है वो हमारे लिए टॉक्सिक है जो जो एक तो उनकी जिस तरह की बनावट है ये जो बेकरी आइटम्स हैं इनको जब आप खाते हैं तो इससे जो आपके ब्लड शुगर और इंसुलिन स्पाइक्स हैं उसके ऊपर प्रॉब्लम आती है सो so, जो रिफाइंड शुगर्स की ये जो रिफाइंड काब्स की इंटेक्स से बहुत से न्यूट्रिएंट्स की आब्जॉर्बशन के अंदर प्रॉब्लम आती है सो वी नीड टू मिनिमाइज दोज एज़ वेल उसके बाद लैक ऑफ स्लीप वुड यू बिलीव के नींद का कम होने से भी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है और उसके साथ साथ टॉक्सिक थॉट्स और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ये तो हमने फूड आइटम्स की भी बात की प्रोडक्ट्स uh, की भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की भी बात की एक्सक्यूज मी और और फाइनली हम बात कर रहे हैं टॉक्सिक थॉट्स यानी कि दिमाग जिस तरीके से सोचता है जो नेगेटिविटी uh, प्रोड्यूस करता है और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ऐसी रिलेशनशिप्स जिनसे जब भी हम मिलते हैं जब भी हम बात करते हैं तो इट ब्रिंग्स अस डाउन तो और इनके ऊपर सारों के ऊपर मैं एक आगे आप जो सलूशन की तरफ आ रहा हूँ वो हमें समझने की ज़रूरत यह है कि आप ये नोट कर रहे होंगे इस डिस्कशन के अंदर कि मैंने कोई भी बात ऐसी नहीं की जो आप किसी एक दिन पे करेंगे कि जी मैंने ये दिन मुतयन किया तो यहाँ पे डिटॉक्स होएगा दीज आर टू बी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ वो कहते हैं ना हम लोग बहुत से लोग बात करते हैं कि जी हेल्दी लाइफ होना चाहिए

कि अब आप जो डेली डी के मामल करेंगे अब जो आप एरोसॉल्स को कम यूज़ करेंगे अब जो आप रिफाइंड शुगर्स की इनटेक को कम करेंगे अब जो आप प्रिजर्वेटिव से को कम इस्तेमाल करेंगे ये आप हेल्दी लाइफस्टाइल स्टाइल इम्प्रूव कर रहे हैं और माइंड यू आपको अब ये बात क्लियर हो चुकी हुई है कि मैंने बात हेल्दी वेट लॉस की की हुई है वेट लॉस की नहीं की हुई तो मैं ये बात सिर्फ एक इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि यू you नो know कि जब आप हेल्दी वेट लॉस के लिए इकदाम करते हैं उसमें आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है सो वट एम आई सेंग हम बात तो डीटॉक्स ही कर रहे हैं लेकिन डी के साथ साथ जब हम ये चीज़ों को ऐड करेंगे ना तो हमारा जब लिवर काम करना शुरू करेगा तो उससे वेट लॉस भी प्रमोट होएगा उससे स्किन भी बेहतर होएगा सो मल्टीपल बेनिफिट्स ठीक है जी तो अब आते हैं सोलूशन के ऊपर तो सॉल्यूशन के अंदर डी की हम बात कर रहे हैं पहली चीज़ तो ये है कि नाजरीन पानी की इंटेक वाटर इंटेक और ख़ास तौर पर रमज़ान के दिनों में अफ्तारी हो अफतारी के बाद थोड़ा सा नींबू पानी और उसके अंदर अगर डाल सकते हैं तो एप्पल साइडर विनेगर डाल के पिए मैंने लिटरली अभी आ, आ, कोई आधा घंटा पहले ही तकरीबन आधा लीटर जो है मैंने दो नींबू डाल के और थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर डाल के थोड़ी देर बाहर मैंने वॉक की है मुझे वो वही मैं आपको हमेशा आप लोगों के साथ अब तो शेयर करता हूँ बिकॉज आई आई थिंक वी वी कैंड ग्रोन टू नो ईच अदर तो uh, थोड़ी सी वॉक की बाहर आधा पौना घंटा आई हैव अक्यूमुलेटेड अबाउट फाइव थाउजेंड स्टेप्स और उसके साथ साथ आई वीजिंग सिपिंग अवे ऑन एप्पल साइडर विनेगर एंड लेमन वाटर एंड ट्रस्ट मी इट वर्क्स वंडर्स थोड़ा सा पसीना आया और ये भी बात नोट करें बाय द वे कि जब आप आ, स्वेट करते हैं ना तो ये भी बॉडी का एक डिटॉक्स है कि वो बॉडी के अंदर से जो गंद है ना उसको बाहर निकाल रही है तो थोड़ी बहुत अगर आपको गर्मी लग भी रही है कि जी गर्मी हो गई हर वक्त ए के अंदर बैठने ये भी एक बीमारी है तो बाहर निकलें थोड़ा सा स्वेट करें ज़रूरी नहीं कि आपने अगर स्वेट करना है तो आपने कोई पचास जंपें लगानी शुरू कर देनी या आपने कोई पाँच किलोमीटर रन करना है ज़रूरी नहीं कि जज्बाती फैसले हो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो थोड़ी देर के लिए बाहर निकलें थोड़ी सी वॉक शॉक करें पानी पिए ट्रस्ट में यू विल फील बेटर ठीक है तो वाटर इनटेक इज नंबर वन नंबर टू फाइबर इस वक्त ये कहा जा रहा है कि फाइबर इज द मेरिकल क्योर फॉर अ लॉट ऑफ इश्यूज और फाइबर कहाँ से आता है मेन सोर्सेज आपका वेजिटेबल से आता है नंबर वन सोर्स ऑफ फाइबर इज वेजिटेबल्स नंबर टू सोर्सेज ऑफ फाइबर इज फ्रूट्स और ये भी कहा जा रहा है साइंस से बता रही है कि हैव अबाउट थर्टी टू फोर्टी ग्राम्स ऑफ़ फ़ाइबर अ डे 30 टू 40 ग्राम्स ऑफ फ़ाइबर ये एक अच्छी खासी अमाउंट होती है ये आपको वेजिटेबल से मैं कहूँगा कि ज़्यादा मिलती है फ्रूट्स भी हम ले सकते हैं लेकिन चूँकि फ्रूट्स के अंदर फ्रुक्टोज होती है और बहुत से हम हमारे में से लोग ना जानते हुए भी आ, अपनी इंसुलिन और ब्लड शुगर बढ़ा के बैठे हुए हैं और स्ट्रेस के मामला चल रहे हैं तो फ्रुक्टोज उसके ऊपर इट एड्स फ्यूल टू फायर ठीक है तो कहने का मकसद ये है कि फाइबर लेना है नंबर वन सोर्स वेजिटेबल्स की होगी और ये जो हमारी जिस ना पाकिस्तानी तरीके से जो हम खाते हैं मैंने पिछली दफ़ा भी जिक्र किया कि ये हमारा अच्छा तरीका है सिर्फ हम सब्जियों को ओवर कुक ना करें नंबर वन नंबर टू आपने अगर शायद सुना हो वेजिटेबल्स को जूस करना जूसिंग वेजिटेबल्स इज़ अ ग्रेट वे टू गल्प डाउन अ होल लॉट ऑफ फाइबर कि आपने वेजिटेबल्स ली उनको आपने ब्लेंड uh, किया और ब्लेंड करके बस थोड़ा सा पानी डाल के पी लिया क्योंकि जब आप इतनी सब्जियां खाने बैठते हैं तो बंदा भी आवाज़ार हो जाता है सो दिस इज अ ग्रेट वे टू एड फाइबर टू योर डाइट ट्राई मैं बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि ना ये टेस्ट इसका अच्छा नहीं होता मैं मैं उनसे कहता हूँ कि क्या एंटीबायोटिक्स का टेस्ट अच्छा होता है क्या पैनेडॉल का टेस्ट अच्छा होता है जो आप एंटी एंगजाइटी पिल्स लेते हैं क्या उसका टेस्ट अच्छा होता है तो कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ में टेस्ट मत ढूंढें आपको दवाइयाँ खाते हुए तो टेस्ट नहीं आप पूछते लेकिन जहाँ पर थोड़ी सी हेल्थी फूड्स की बात आती वहाँ पर आप टेस्ट का रोना रो शुरू कर देते हैं तो प्लीज़ माइंड यू आपको बात अगर बुरी लग रही तो आई एम सॉरी फॉर दैट बट सम थिंग्स हैव टू बी डन ट्राई टू टेक फूड एज मेडिसिन एटलीस्ट टू सम डिग्री उसके बाद वेजिटेबल्स uh, की हम बात कर रहे हैं जो हमने जूसिंग की बात की उसी के अंदर ही लिंक्ड है कैरेट्स ये जो गाजर है इसका इस्तेमाल करें दिस दिस इज़ आल्सो गुड फॉर फॉर द लिवर क्योंकि जब हम डीटॉक्स की बात करते हैं हमारे लिए लिवर को सामने रखना है लिवर बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जिसका काम क्लेंजिंग का है सफाई करता है वो तो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज ट्राइंग टू ऐड फूड्स एंड एंड प्रैक्टिस दैट आर सपोर्टिंग द लिवर क्योंकि मैं आपको एक मज़ेदार स्टेटिस्टिक बताता हूँ आई बिलीव आइफ आई फैम नॉट मिस्टेकन ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्च थी वो ये बता रही थी कि uh, माँ के पेट में जो जो uh, जो uh, अभी यू नो अनबॉर्न बेबी है उसको उन्होंने टेस्ट किया तो दैट अनबॉर्न चाइल्ड हैट अप्रोक्सीमेटली वन हंड्रेड एंड एटी केमिकल्स 180 केमिकल्स अभी वो बच्चा दुनिया के अंदर नहीं आया माँ के पेट में है और उसको उन्होंने चेक किया तो 180 के करीब केमिकल्स हैं तो आप हिसाब लगाएं कि हम जब जो जाने में अनजाने में जो अपने साथ कर रहे हैं हम हर वक्त केमिकल्स के अंदर खेल रहे हैं हर वक्त केमिकल्स के अंदर है टॉक्सिक थाट्स टॉक्सिक डाइट Uh, तो लिवर तो बेचारा एक हद तक काम करेगा ना फिर उसके बाद वो गिव अप करना शुरू कर देता है और फिर ये सारे मामला जो मैंने ऊपर बयान किए हैं वो सारे आने सामने आने शुरू हो जाते हैं तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ था जूसिंग वेजिटेबल्स का उसका मैंने एक एंड में एक रेसिपी भी बनाया हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और फिर अगले पॉइंट में आ रहा है कि वेजिटेबल्स के अंदर जो स्वीट पोटैटो है पोटेशियम इज़ वन रियली इम्पॉर्टेंट न्यूट्रियट फॉर द लिवर तो कोशिश करें कि आजकल सीज़न में भी है शकरकंदी जिसको कहते हैं इसको कोशिश करें हम अपने घर में क्या करते हैं हम स्वीट पोटैटो फ्राइज़ बना लेते हैं कि जो चिप्स होते हैं ना उसके अंदर हल्का सा ऑयल लगा के उसको आ, या तो आप वैसे चिप्स बना लें या हम एयर फ्रायर यूज़ करते हैं वट एवर वे दैट इज़ पॉसिबल फॉर यू तो वो बड़े मज़ेदार किस्म के स्वीट पोटैटो फ्राइज़ निकलते हैं वो आप ट्राई करें एक तो आपकी काब क्रेविंग भी उससे कम होएगी और आपको पोटेशियम के और लिवर डिटॉक्स के बेनिफिट्स भी मिलते रहेंगे उसके बाद माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ मिनिमाइजिंग शुगर एंड रिफ़ाइंड काब्स ये जो बेकरी आइटम्स हैं ना नाजरीन कोशिश करें कि इसकी इंटेक कम करें कोशिश करें कि अपने घर में एक ऐसा माहौल बनाएं जहाँ पर ये रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक कम हो ये जो आ, मतलब हम जो जितनी भी पैकेज आइटम्स खाते हैं मैं ये नहीं कहता कि बंदा आइडियलिस्टिक हो जाए और बिल्कुल अपने आप को ख़त्म कर लें ये चीज़ें लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए ऑलवेज ट्रीट दिस दिस थिंग्स एज समथिंग ऑफ यू नो एवरी नाउ एंड देन व्हेन यू ट्रीट योरसेल्फ दैट इज़ व्हेन यू यूज़ दिस आइटम्स बिकॉज इनका 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 नुकसान बहुत ज़्यादा है ठीक है जी इसके बाद नंबर नेक्स्ट मेरा पॉइंट आ रहा है केमिकल्स uh, का इस्तेमाल ये जो मैंने ऑलरेडी बात कर ली हुई ये पॉइंट कवर कर लिया सो स्वामनाओ गो ओवर इट कि के ये केमिकल्स का जो यूज़ है होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं मच्छर मार हैं एयर फ्रेशनर्स हैं जो फ्रेगरेंस वाली कैंडल्स हैं इन सब तमाम चीज़ों का का इस्तेमाल हो लेकिन उसको रिस्पॉन्सिवली और कोशिश करें कि स्पेयरिंगली करें जितना कम यूज़ करेंगे उतना आपको फ़ायदा पहुँचेगा उसके बाद जनाब थाट्स की बात आ रही है मैंने जो बात की टॉक्सिक थाट्स की तो ये जो सोच है इंसान की इसको भी थोड़ा सा आपको काबू में लेके आना है मैंने वक्ता फवक्ता सोच की बात की इंसान की उस सोच का इंसान के जिसम के ऊपर उसकी फिजियोलॉजी के ऊपर भी असर है तो ऑल दो हमारे जो आगे सेशन आ रहा है आई बिलीव इट्स द नेक्स्ट वन स्ट्रेस मैनेजमेंट उसके अंदर हम ये डिटेल में बात करेंगे लेकिन जस्ट टू लेट यू नो कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डाइट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द इन्वायरमेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स भी और उन इंटरनल फैक्टर्स के अंदर आपका दिमाग है तो हमें क्या करना है कि जो हमारी सोच है जो नेगेटिविटी के अंदर क्योंकि दिमाग क्या करता है इट इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग इन आवर लाइफ आप नोट कर लें कि दिमाग जब सोचता है या तो वो पुरानी किसी रिग्रेट पर जाएगा फ्यूचर की एंगजाइटी पर जाएगा प्रेजेंट मोमेंट को अप्रिशिएट हमें करना नहीं आता और यही प्रैक्टिस हमने लेके आनी है तो कीपिंग थिंग्स वेरी शॉर्ट एंड सिंपल

टॉक्सिक थाट्स होते हैं सो मेक नो मिस्टेक कि जब आपके थाट्स नेगेटिव होंगे और आप क्रॉनिक नेगेटिविटी में और नेगेटिव थाट्स में होंगे तो वो बॉडी के अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करते हैं और एसिडिक इन्वायरमेंट बीमारी का और इन्फ्लेमेशन का गढ़ होता है ठीक है जी उसके बाद लास्ट माई माई लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग टॉक्सिसिटी इज़ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बहुत सी ऐसी रिलेशनशिप्स हैं कि जिनसे इंसान अपना दूरी तो नहीं अख्तियार कर सकता ठीक है इंसान के करीबी रिश्तेदार हैं आपस के मामलत हैं लेकिन उन उस टॉक्सिक रिलेशनशिप कुछ ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं जिससे इंसान अपना दूरी इख्तियार कर सकता है तो कोशिश करें कि जो आप समझते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में आपके अंदर जो लोग हैं जो आपके लिए टॉक्सिक हैं जो हमेशा आपके अंदर से एनर्जी ड्रेन करते हैं और आपको हमेशा नेगेटिव छोड़ते हैं कोशिश करें कि उनसे थो थोड़ा सा आप दूर होने की कोशिश करें और अगर दूर नहीं हो सकते तो फिर अपने आप को समझाएं अपने आप को बताएं कि हमें इन लोगों के साथ वक्त गुजारना है एंड वी नीड टू बी एज़ माइंडफुल एंड एज़ रिस्पॉन्सिबल एज़ पॉसिबल तो नाजरीन ये आ, डी के ऊपर डिस्कशन हो गई अब हम बात कर रहे हैं कि जो मैंने आपसे रेसिपी की बात की थी वो क्या है ये जो डी ड्रिंक है इसके अंदर आपने क्या करना है कि एक लीटर पानी लेना है ठीक है और एक लीटर पानी को आपने उबालना है जब आप उबालेंगे तो इसके अंदर आपने आधा चम्मच सिनेमन पाउडर और जिंजर ये आपने डाल लेना है ठीक है जब उबाला दिला दिया आपने और पानी थोड़ा सा ठंडा हो गया रूम टेम्परेचर पे आ गया तो उसके अंदर थोड़ा सा क्रैनबेरी जूस या आप कह लें कि आधा गिलास क्रैनबेरी जूस आप डालेंगे ठीक है जी और उसके साथ साथ फिर आप ये जब हो जाए तो दो से तीन नींबू आपने निचोड़ने ठीक है जी और थोड़ा सा शहद आपने ऐड करना है इसके अंदर तो ये एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि जिसको आप ऐड करते हैं तो ये आपके लिए एक डिटॉक्स ड्रिंक बन जाता है तो ये एक ऐसा टोटका है मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ एंड आईव माई क्लाइंट गिवन दैम दिस फॉमूला एज वेल इट वर्क वंडर्स तो ट्राई इट वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बॉडी के अंदर एल्कलिनिटी प्रोड्यूस करेगा पानी जो आप पियेंगे उससे आपकी बॉडी को लिवर को सपोर्ट मिलेगा एंड यू विल फील बेटर तो नाजरीन आई होप दिस सेशन हैज़ बिन प्रोडक्टिव फॉर यू दैट यू हैव गेन्ड लॉट ऑफ इंसाइट फ्रॉम दिस तो इसके साथ साथ um, uh, आसद भाई uh, कह रहे हैं कि रेसिपी ऑफ डी ड्रिंक ओके आई विल शेयर इन द कामेंट्स उजमा पूछ रही हैं वॉट इज द बेस्ट डीटोक्स फॉर हाइपोथरडिज्म उजमा जी हाइपो का डीटॉक्स के साथ इनडायरेक्ट लिंक है विज अ वी हॉमोन इम्बेलेंस लेकिन हाइपोथायरोडिज़म के बहुत से ऐसे मामले हैं सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है कि एक तो अगर आपकी आ, आ, आपने डाइटिंग की है आपने कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की है उस मामले को ख़त्म करें हेल्दी वेट लॉस की तरफ आएँ और ग्लूटन की इंटेक ये जो वीट से जो ग्लूटन की इंटेक है बहुत से लोगों के लिए ऑटो इम्यूनिटी और हाइपोथर का बायस बनती है सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन उसके बाद आ, आगे चलते हैं आ, उमर अशरफ पूछ रहे हैं व्हाट्स द बेस्ट डिटॉक्स फॉर सोरायसिस उमर द गाइडलाइंस रिमेन द सेम बिकॉज यू कैन नॉट हैव एनी ये जो आपको मैंने गाइडलाइंस दी हैं उमर दे आर द फुल स्पेक्ट्रम

वाटर रिटेंशन और ब्लोटिंग की बात आती है तो मैंने जो गाइडलाइंस आपके साथ शेयर की इनको तो इमीडिएटली आप अप्लाई करें दूसरा ये करें कि जो वाटर रिटेंशन यूजुअली एलर्जी से होती है uh, जो अभी मैंने बात की कि ग्लूटन इंटेक से तो बहुत से लोगों को ग्लूटन इंटेक से एलर्जी होती है तो एक तो उसको मिनिमाइज करें तीसरी चीज़ के ये नोट करें कि स्ट्रेस के, uh, के मामलत से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं अ लॉट ऑफ पीपल दैट

तो uh, ये हो गया आई एम जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू आई बिलीव आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ दो क्वेश्चन सो गाइज आई होप यू फाउंड दिस कॉन्टेंट यूजफुल डू लेट मी नो इफ यू हैव फर्दर क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक मैं अभी जो डिटॉक्स डाइट है उसका कॉमेंट्स में आपको डिटेल से पोस्ट कर देता हूँ गाइज थैंक यू वेरी मच आई विल सी यू डे आफ्टर टुमारो अंटिल देन अल्लाह हाफिज़